एक बार किसी जंगल में एक भेड़िया और बिल्ली आपस में मिले और दोनों बात करने लगे कि जंगल के जानवर कितने निर्दयी हो गए हैं। उन्होंने जंगली कुत्तों, शेर और चीता के बारे में बातें की, ये लोग कितने खतरनाक हैं। तब बिल्ली ने कहा कि ये जंगली कुत्ते तो बहुत खतरनाक हैं। भेड़िया बोला कि हाँ, ये तो सही बोले तुम मौसी। तब भेड़िया से बिल्ली ने कहा कि भेड़िया मामा, तुम कैसे बचते हो इन जंगली कुत्तों से? तो भेड़िए ने कहा कि कभी कभी मैं पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, कभी किसी गुफा में छुप जाता हूँ, कभी किसी झाड़ी के पीछे छुप जाता हूँ, इस तरह मैं बचता हूँ, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो बिल्ली बोली, हाँ ये तो बात है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसी बीच अचानक उन्हें जंगली कुत्तों के झुंड की आवाज़ आने लगी। अब तो दोनों डर गए। तब बिल्ली ने कहा कि भाई, मुझे तो एक ही चीज़ आती है, पेड़ पे चढ़ना, वो मैं चल रही हूँ, बाकी तुम समझो। इस तरह बिल्ली ने पेड़ पर चढ़ लिया और भेड़िया वहीं रह गया। वह छुपने की कोशिश करने लगा झाड़ी के अंदर। तब तक कुत्तों ने उसे देख लिया और कुत्तों ने उसे वहीं मार दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए, इसके बजाय हर काम थोड़ा आधा अधूरा जानने से बेहतर है किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएं। किसी जंगल में एक शेर सिंह नाम का शेर रहता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझता था। वो समझता था कि सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान और मजबूत राजा दुनिया में वही है। सारे जानवरों पर वह अपनी ठसक दिखाता। एक दिन एक उसी राज्य के राजा अपने सेना के साथ जंगल में आए थे। राजा हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। शेर यह छुप कर देख रहा था। शेर ने अपने सलाहकार से पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा, ये राजा है, राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, राजा हाथी के ऊपर ही बैठता है। यह सुनकर शेर को भी इच्छा हुई। उस सेना और राजा के जाने के बाद उसने अपने राज्य में सैनिकों को कहा, अपने जानवरों को, जाओ हाथी को बुला के लाओ, अब हम भी आज से हाथी की सवारी करेंगे और हाथी के ऊपर एक गद्दी लगा दो, मैं उसी पर बैठकर पूरे जंगल को घूमूंगा जैसे वो राजा घूमता है। इसके बाद हाथी को बुलाया गया। हाथी के ऊपर पेड़ झाड़ी जंगलों की एक गद्दी लगा दी गई। इसके बाद हाथी उछल कर उसी पर बैठ गया और वह बहुत खुश था। वह समझ रहा था कि आज वह बहुत बड़ा राजा है। इसके बाद जैसे ही हाथी चलना स्टार्ट हुआ, शेर का बैलेंस बिगड़ गया और शेर ऊपर से ही नीचे गिर गया। अब तो उसका एक पैर भी टूट गया और जंगल के सारे जानवरों उस पर हंसने लगे। अब शेर को अपने ऊपर शर्मिंदगी आई कि हमें किसी की भी नकल ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। ये एक लोभी व्यक्ति और बाघ की कहानी है। एक गांव में एक बहुत लोभी व्यक्ति यानी लालची व्यक्ति रहता था। वह हमेशा कुछ न कुछ पाने के जुगाड़ में लगा रहता था। एक बार वह जंगल से होकर जा रहा था। उसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके पैर के नाखून टूट गए थे। अब वह बूढ़ा हो गया था। अब उसे शिकार पकड़ ही नहीं आता था। उसने एक उपाय सोचा। हुआ तालाब के किनारे टीका वगैरह लगा के बैठा हुआ था। इधर से जब वह आदमी जा रहा था, उसने देखा कि यह शेर तो चुपचाप बैठे हुए है, लेकिन उस शेर ने एक चाल चली थी। उसने सोने का कंगन अपने पास रखा था। तो उस आदमी की नज़र सोने के कंगन पर पड़ी। तो शेर ने कहा कि अरे आओ आओ, घबराओ मत। उस आदमी ने क्या क्यों बोला, मैं अब भगवान का भक्त हो गया हूँ, मैं अब किसी को भी मार कर नहीं खाता, मैं अब समझ गया हूँ कि सभी जीव बराबर हैं, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सो तुम ये कंगन ले सकते हो मेरे पास। वह आदमी बहुत खुश हुआ। वह लो लालच में पड़ गया। उसे अब समझ में आ गया कि ये कंगन तो मुझे मिल जाएंगे सोने के। तो बोला ठीक है। तो बोला कि लेकिन इसके लिए पहले तुम नहा लो इस पानी में, इसके बाद ये कंगन ले लेना।
वो आदमी उसके नज़दीक आया नहाने के बाद, जैसे ही आया शेर उसको पकड़कर खा गया। इसीलिए हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, लालच बुरी बला। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा जिसकी अहमियत लोगों की होगी तो उसका पता चल ही जाएगा, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही एक कहानी एक मुर्गे की है। किसी गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज़ सुबह कुकड़ू को कुकड़ू करता था, तो मुर्गे को लगता था कि मैं जब कुकड़ू को कुकड़ू करता हूँ तभी सारे गांव के लोग जागते हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई जागेगा ही नहीं और रात की रात ही रहेगी, सुबह नहीं होगी। यह सोचकर मुर्गा अपने आप में बहुत घमंड में रहता था। एक दिन गांव के बच्चों ने उसे बहुत तंग किया तो मुर्गा गुस्सा हो गया। उसने सोचा ये गांव वालों की मैं कितनी मदद करता हूँ, मैं ही इन्हें जगाता हूँ, मैं ही रात को दिन में बदलता हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो सुबह होगी नहीं, अंधेरा ही रहेगा, तब इन लोग कैसे काम करेंगे। इसके बाद उसने कसम खाई कि कल वह कुकड़ू को नहीं बोलेगा, देखता हूँ कि गांव वालों का क्या होता है, ये सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते, कल इन्हें पता चलेगा। अगली सुबह मुर्गा कुकड़ू को नहीं बोला। मुर्गा खुश था कि आज तो सारा अंधेरा ही रहेगा और कोई गांव वाला उठेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुर्गा कुकड़ू को नहीं बोलने से तो सुबह हो गया, ऐसा तो बात है नहीं। फिर सुबह हो गई, गांव वाले सारे लोग उठ के अपना अपना काम करते रह गए। तब मुर्गे को पता चला कि मेरे कुकड़ू कुकड़ू करने से सुबह नहीं होती और सारे लोग ऐसे भी जागते हैं। अब मुर्गे का घमंड टूट गया। इसीलिए हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास अगर कोई योग्यता है तो लोग को अहमियत खुद पता चल जाएगी। हमें अपनी योग्यता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ना कि घमंड पर।